तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ नहीं, पहले मैं गुड से शुरू करती हूँ। सो मैंने और मिट्टी ने, वी आर गोइंग टू बी अ फर पेरेंट अगेन एंड वी हैव अडॉप्टेड रेस्क्यूड। एक मिनट, मेरा एक और बेटा आ गया। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? ये देखो, ये मेरे पास है वो, ये देख लो, ये है मेरा बेटा, ये मेरा वूफा, मेरा वूफा। अच्छा मामा मामा। तो हुआ ये कि हम लोग एक फेसबुक ग्रुप है स्ट्रे डॉग्स का, हम लोग उधर मेंबर हैं। तो सुबह एक पोस्ट आई है, सुबह नहीं दोपहर में एक पोस्ट आई थी कि एक डॉग मिला है बहुत बुरी हालत में। ये अगर ये मैंने पिक्चर लगाई है, तो मुझे मिट्टी ने फौरन फ़ोन करके बोला कि यू नो व्हाट, लेट्स रेस्क्यू दिस बेबी। तो बहुत ही हसीन लोग हैं उस ग्रुप में, आप यकीन करें। तो जाहिर सी बात है, एक कहते हैं फर बेबी को वेट क्लिनिक लेके जाना, मतलब भारी भरकम पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उस ग्रुप में जा कर लिखा कि आई कैन गिव दिस फर बेबी फॉर एवर होम, लेकिन वेट बिल्स में मुझे हेल्प चाहिए होगी। आप यकीन करें, बहुत अब तक हम लोग के पास थोड़ी अमाउंट जमा हुई है, लेकिन जितनी भी जमा हुई है इतना है कि हम लोग उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जब उसको लेकर गए, फिर मसला था उसको उस लोकेशन से कैसे उठा के लेके जाएं। जिस जिन्होंने भी देखा, और वो सबकी ड्यूटी टाइम था, मेरा भी ड्यूटी टाइम था, इट वाज जस्ट लाइक माय शिफ्ट स्टार्टेड। तो फिर मैं भी नहीं निकल सकती थी, मिट्टी भी नहीं निकल सकते थे, ना ही वो लड़की, दो तीन लोग इन्वॉल्व थे यानी मुझे और मिट्टी को मिला के। तो फिर उसी ग्रुप में उसकी फ्रेंड थी जिसने कहा मेरी ड्यूटी भी ख़त्म हुई है, आई कैन गो एंड पिक हर, पिक द डॉग एंड वी विल टेक इट टू द वेट। एक क्लिनिक है यहाँ पे, ऑल केयर क्लिनिक, थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, वो सारे स्ट्रेस को देखता है और अच्छा डिस्काउंट देता है। तो उन सब ने उस पोस्ट पे लिखा, भाई जस्ट टेक द डॉग टू द वेट, डोंट वरी अबाउट द मेडिकल बिल्स, हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे और इसका इलाज करवाएंगे। तो जब उसको वेट के पास देखे, पता चला कि वो बेबी गर्ल है। तो द बैड न्यूज़ इज़ कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो एज उसकी शायद 1 साल या 1.5 साल है, और उसकी आँख, व्यूअर डिस्क्रिप्शन, उसकी आँख ख़राब है। वो कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने उसको बारबेक्टो दिया है क्योंकि उसको टिक्स एंड फ्लीज भी हैं और उसका फर काफ़ी मैटेड है। तो आप लोग कल 4:30 बजे आना, क्योंकि हम लोग सुबह इसको नहलाएंगे, शेव वगैरह करेंगे, ताकि आप लोग जब मिलने उससे आओ, शी इज़ इन गुड थिंग। तो बेस्ट पार्ट ये है कि उसका ये है कि शी इज़ प्लेफुल, और उसके क्या नाम है, शी इज़ प्लेफुल पर अंडर वेट है, और कह रहे हैं कि अगर उसकी आँख ट्रीटेबल होगी तो ट्रीट करेंगे, वरना तो फिर उनको आँख रिमूव करनी होगी। और जब मुझे ये पता चला, आई क्राइड। तो मैंने कहा कुछ भी करो और वी विल टेक हर। तो मैं और मिट्टी कल जाएंगे, हम लोगों ने कुछ अपने फर बेबीज़ के लिए फर्नीचर भी लिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो सीरीज़ मैं बनाऊंगी, एंड वी गोइंग टू नेम हर लूना, और सो शी इज़ गोइंग टू बी आवर डॉटर, और मैं आपको थ्रू आउट उसकी जर्नी, प्रोग्रेशन सब दिखाऊंगी। तो मुझे अभी हमारे चैनल को बहुत से सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पर आ गई एक और ज़िम्मेदारी। तो हमारा चैनल चलेगा तो हम लोग अच्छे से अपने फर बेबीज़ को और दूसरे भी जो स्ट्रेज है जिनको ज़रूरत है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वट एवर अर्निंग वी गोइंग टू डू फ्रॉम यूट्यूब, आई हैव डिसाइडेड इट विल गो ऑल विल गो टू द स्ट्रेज एंड फीडिंग द स्ट्रेज, और इस तरह के जो फर बेबीज़ होते हैं उनके मेडिकल बिल्स में। तो ये सब तब पॉसिबल है जब आप लोग हमारी वीडियोस शेयर करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक और एक कमेंट बहुत सी जिंदगियां बदलेगा। तो मिट्टी आते हैं तो फिर मिट्टी के साथ ही बात करते हैं। तो हेलो गाइस, सब कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे? तो अनिका ने आपको बताया होगा, एक बेबी
डॉग है, गर्ल है एक्चुअली। तो वो काफ़ी दिनों से थी, दिन नहीं, काफी महीनों से वो काफ़ी सड़क पे महीनों ही से है। सड़क पर थी और बहुत बुरी उसकी हालत थी, और इसकी बस एक आँख बाबू, भी मतलब ख़राब है। यही तो एक्चुअली क्या किया, तो उसकी पोस्ट हम लोगों ने देखी थी, तो फिर इस तरह मेरी बात हुई और आपको स्टोरी अनिका ने बताई होगी। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआओं में रखें और खुदा करे वो ठीक हो जाए, और आपकी सपोर्ट ये चाहिए कि हमारे चैनल को वीडियो ही था, प्लीज़ मैंने वही कहा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे जो चैनल को पैसे इससे आएंगे हम लोग ऐसी ही जानवरों बेजुबानों की हेल्प करने में बेजुबानों पर। तो लगाएंगे। बस अगर देखें आप लोग हमें लाइक और शेयर और आगे पहुंचाते हैं हमारे चैनल को, थोड़ा आगे तक सपोर्ट करते हैं, उसको प्यार कर देते हैं, तो आप यकीन माने आपकी ये हेल्प जो है, बहुत से ऐसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और बहुत से ऐसे लोग बेजुबान भी हैं ऐसे जिनकी ये हेल्प हो सकती है हमारे इस चैनल के पैसों से। तो हम देखो दोनों कमा रहे हैं, अच्छा ये नहीं कि हम नहीं कमाते, हमारे पास शुक्र है खुदा का, मगर हम चाहते हैं कि इस चैनल से हमें इनकम जो आए हम वो दूसरों की वो कर और अवेयरनेस हम पे सकें। लाना चाहती हूँ। और कोशिश किया करें, अगर आपको अब कहीं भी किसी भी मुल्क जगह रहते हैं, जहाँ जगह पे रहते हैं, मामा तो क्या प्लीज़ लगता कोशिश किया करें। ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो बेजुबान हैं, वो आपको अपना दुख नहीं बता सकते कि वो भूखे हैं, प्यासे, या उनका क्या प्रॉब्लम है। तो देख के कोशिश किया करें, अपने दिल को खोला करें, उन पर रहम किया करें। तो रहम करना, प्यार करना, ये खुदा की खासियत है, ठीक है, खसूसियात है खुदा की। तो अगर आप किसी को करते हैं तो इसका मतलब खुदा आपके अंदर है, वो आपको ये फील करवाता है कि दूसरे से प्यार करो। तो प्लीज़ इस तरह से थोड़े से अच्छे अमाल किया करें, आप करते भी होंगे, मैं यह नहीं कहता, मगर कोशिश किया मुझे करें कि नहीं मान प्लीज़ रही थी। दूसरों की मदद किया रहें, बेजुबानों की खासकर बहुत मदद करें। तो कल हमने जाना है उसको मिलने के लिए, तो क्योंकि वो तब तक हमें नहीं देंगे जब तक वो ठीक नहीं हो हाँ जाएगी। उसका पूरा एक्चुअली ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर ने बोला है उसने कि उसकी काफ़ी वैसे बुरी हालत है, उसकी आँख, अभी हम इस वीडियो में उसकी पिक्चर भी लगाएंगे। नहीं मैं सोचू नहीं लगाऊं, पता कुछ लोग नहीं देख सकते ऐसी चीज, तो आई डोंट नहीं नो। एटलीस्ट नहीं, हमें दिखाना चाहिए लोगों को। तो एक्चुअली लोगों को पता तो लगे कि लोग मतलब किस तरह से उनको मतलब जो बहुत बुरी हालत बहुत है बुरी, उनकी। जब लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ महीनों के लिए लेते हैं, शौकिया लेते हैं, टॉय की तरह रखते हैं और उसके बाद बाहर निकाल देते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि जब वो बाहर निकाल देते हैं उस जानवर को, तो खुदा जाने उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मैं आज हम दोनों की ना, अब यकीन माने मैं इन मर्द हूँ, कहते हैं मर्द को रोना नहीं आता, मैं खुद रोया हूँ आज उसको देख आज के। हम दोनों बहुत अब रोए हैं। यकीन माने मेरा मतलब दिल वो टूट गया, मैंने कहा यार इतने ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इतना बुरा सोचते हैं, इतना बुरा करते हैं। और आप तो यकीन करें, मैंने भी और मिट्टी ने भी पोस्ट लगाई है, बड़े बड़े रूहानी मजहबी लोगों ने देखी वो पोस्ट, लेकिन किसी ने 1 रुपया की मदद हाँ नहीं ये की। बात मैंने मैंने देखा है, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजहबी हैं, रूहानी हैं, खुदा परस्त हैं, दिखाते हैं। एक्चुअली में हमें खुदा ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि हम जानवरों की टेक केयर करें, हम उनके वो हैं। तो सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि हमने कलाम पढ़ लिया, दुआ कर ली और बस लोगों को दिखा दिया कि हम चर्च प्रॉपर जा रहे हैं, तो देन या ओके, नमाज या पढ़ रहे नमाज़ पांच पढ़ रहे पांच हैं, वक्त या हम की। बड़े जी मंदिर जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम नमाजी परहेजी और बड़े वो हैं, मगर हमारा दिल साफ़ नहीं है, हमारे दिल किसी के लिए खुलता नहीं है, हमारे दिल में किसी के लिए रहम नहीं आता, तो ऐसी रूहानियत को, ऐसी और इबादत, ऐसी बंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी ही लिस्ट में एक है जो स्टूडेंट है और जिजित्सु का स्टूडेंट है। मैं कैमरे में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी हालत बड़ी ख़राब है इस वक्त। तो वो स्टूडेंट है और उसने जब पोस्ट देखी तो उसने कहा कि देख मैं चाहता हूँ कि तू इसकी टेक केयर प्रॉपर करे, अगर पैसों का मामला है तो फिक्र नहीं कर, तू फलां डॉक्टर के पास जा और बोल कि मेरे नाम पे मेरा नाम ले और मेरे मेरे खाते में पूरा उसका इलाज आप करा। सोचें और कितनी जबकि अच्छी ना वो बात मेरा है। जानने वाला क्या, बस वो एक स्टूडेंट है मेरी एकेडमी में, लेकिन इंसानियत। उसे क्या अल्लाह करीम, वो अरबी है मुस्लिम है, उसे क्या अल्लाह करीम से फिक्र नहीं कर, तुम लोग बहुत अच्छा काम करो, हम लोग तो तेरे साथ है। तो तसल्ली मिल गई हमें, होशियारी मिल गई। अब यकीन माने अनिका ने, बल्कि कहीं किसी जगह पे इसने कुछ चीज़ें देखी हुई थी, तो एक्चुअली हमने वुफ पाब्लो के लिए वो देखी थी, वो निकली भाई क्या है कहते बाय हैं, चांस बाय लड़कियों चांस की और निकली, लड़कियों की चीज़ें निकली, मगर देखें ये बेड भी खुदा की पिंक करनी सब है। कुछ। अब यकीन माने हमारे पास नहीं थे पैसे, सीधी बात है, मगर खुदा ने उस बेजुबान के लिए कहाँ कहाँ से पैसे किए हैं,
हम खुद हम हैरान लोग हो अभी गए। तक जमा कर रहे हैं और क्योंकि यकीन अच्छे माने अमाउंट बहुत चाहिए से हम लोगों ने लोगों को। मदद की और मैं थैंक शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, मगर मुझे अफसोस है कि बहुत से रूहानी लोगों ने ना, मतलब यार चलो छोड़ो पैसे देने को, आप एक बार किसी ने पूछा तक नहीं है किस तरह के लोग हो यार, किस तरह के खुदा के लोग हो, कौन से खुदा पता आपको नहीं यार। फेवर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अगर आप में रहम नहीं है ना तो आप खुदा को आप झूठ बोलते हो कि आप खुदा की इबादत बंदगी करते हो। यार जिस खुदा की इबादत, जिसने आपको रहम करना सिखाया, प्यार करना सिखाया, दूसरों से मोहब्बत करना सिखाया, अपना आप दूसरों के लिए खोलने के लिए सिखाया कि अपना दिल खोल दो दूसरों के लिए, तो फिर भी मतलब किस तरह की चीजें बहरहाल इतनी। हम लोग नहीं केयर खैर इट्स करते, ओके हमारा खुदा फाइन, है खुदा उनको भी खुश और रखे, बहुत से लोग हैं मगर जो मैं हमारे साथ खुदा जुड़े का हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुदा के शुक्रगुजार हैं ये हमें कि किस उस खिदमत बे के लिए खुदा हाँ ने और दी उस है। बेजुबान के लिए हमारे दिल को खोला खुदा ने, हमारे अंदर डाली ये बात, थैंक यू गॉड, बहुत शुक्रिया। और फिर इसी तरह से हम लोग आपको जर्नी दिखाएंगे, कल हम जब मिलने जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बनाए अगर डॉक्टर ने अलाउ किया, क्योंकि बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स एनिमल अलाउ नहीं हॉस्पिटल्स में करते अलाउ नहीं होता, तो हम लोग आपके साथ ज़रूर पूरी जर्नी शेयर करेंगे। जी, दुआएं चाहिए, बहुत ज़्यादा दुआएं चाहिए आप सबकी। तो प्लीज़ हमारी थोड़ी सी बस सपोर्ट ये करें कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि बहुत से लोग देखें, इससे जो जनरेट होती है अमाउंट उससे हम ऐसे बेजुबानों की मदद कर सकें, तो प्लीज़ थैंक बहुत से यू। यहाँ पे ग्रुप, बहुत से एक ऐसे ग्रुप हम है जिसके अंदर ऐसे, मैं कहती फरिश्ते, इंसानों के एक्चुअली बेस में वो फरिश्ते हैं फरिश्ते हैं वो। भाई, वो एक्चुअली में ना खुदा की उस बात को, खुदा ने कहा कि जानवरों की टेक केयर करनी है, वो एक्चुअली में उस बात को पूरा कर रहे पूरा हैं, कर रहे हैं। मगर हम इन दूसरे लोग जो बड़े बनते हैं वो कुछ भी नहीं। अभी कल कल चर्च लगेगा और संडे को पाकिस्तान में चर्च लगेगा, जहां जहां भरे होंगे। चर्च भरे होते हैं, चर्च इबादत गाहें, जहां जहां भी ये लोग इबादतें नमाजें, ऐसे पक्के परहेजी। अभी मैं किसी, हम बात जो कर रहे हैं ना, मुझे पता है हम बहुत से लोग बोलेंगे बर्थडे आए, और मुझे पता हमारे है। अब मुझे पता, मुझे मैसेजेस आएंगे कि भाई तुम लोगों ने ऐसी बात क्यों की है। आई डोंट केयर, मैंने लोगों को खुश नहीं करना, मैंने खुदा को खुश करना है। मैं भले चर्च नहीं जाती पर शुक्र है खुदा का मेरे दिल में रहम है, एक्चुअली तो इसीलिए वो देखो हमारे दोनों इतने खुश हैं। कल आपको फर्नीचर भी दिखाएंगे जो हम लोगों ने अपने जी बेबी के लिए लिया है, तो हम लोग पूरी रूम की सेटअप भी चेंज थोड़ा करेंगे। तो चले ऑन पॉजिटिव नोट, हम चाहते क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, तो मैं और मिट्टी ये चाहते कि हमारे व्लॉग्स जो है पॉजिटिविटी दे, तो हम लोग सब मिलके फॉर बेबीज के लिए और जितने भी बेजुबान है, और हम लोगों ने एक पेज भी बनाया है वॉइसलेस समथिंग करके, मैं उसका लिंक डालूंगी, लाइक शेयर कर दे। आप लोगों की हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, बस हम यही हमारे चाहते चैनल की कि हमारे ग्रो चैनल करने ग्रो में हेल्प करें, करें, बस इससे ज्यादा कुछ बाकी हमारा खुदा है जो मुहैया करता नहीं। है। जी जी बिल्कुल। बेबीज को दिखा दूं कि कपड़े चेंज हुए, मस्तियां कर रहे हैं, एक हमारा ये जो वो है फील, पुफ साहब, और पता ये नहीं जरा क्या बहुत एडल्ट चीज लगाओ, ए और ये पाबलो, पाबलो, वो पाबलो को तो मैं सफाई वैसे भी नहीं करता दिखा रहा, रहता वो अपनी ना बहुत ज्यादा, वैसे हमारा जो पाबलो है ना एक्चुअली खुदा जानता है वो बड़ा साफ सुथरा रहता है, मगर जो हमारा वुफ है ना वो गगड़ा है गंदा, कल उसकी वैसे वो उसको बाथ हालत डे देख भी है लो, उसका, तो खैर कल उसको मेरे मैं उसको नहलाना है, नहलाना भी मैंने है, कहा उसको नहलाऊंगा क्योंकि पहले बहुत कल गंदा लूना से रहता। मिला है ना फिर नहला हाँ अब पहले। लूना से तो लाजिम मिलने जाना है उससे, बस आप सबको भी दिखाएंगे उसकी हालत कैसी है अभी। अब यकीन माने मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जब उसको देखा था ना तो बस एक बार दिल फट सा गया था जैसे, पता नहीं यार। बस, और सिर्फ वो 1 साल की और है। मुझे उस इंसान पे जिस फैमिली ने या इंसान ने उसको छोड़ा ऐसे किया, मुझे उस घटिया इंसान पर ना बहुत अफसोस होता है कि यार इतना भी वो कोई खुदा घटिया उसको और गिरा देगा। होगा, और मैं चाहता हूँ खुदा उसे सजा दे, कि बाइबल में तो लिखा है कि माफ़ करो अपने दुश्मन को, वो मेरा दुश्मन नहीं है, मगर उसको सबक मिलना चाहिए कि गलत किया उसने। चले हम अपना ब्लॉग का भी एंड करते हैं यहाँ पर, अभी क्लोज हम करते हैं क्योंकि कल हमारी छुट्टी है, बहुत से कल। काम है हमारे हाँ पास, जी, तो और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर शेयर एंड ज़रूर कमेंट। करें, आपकी ये छोटी सी प्यार, छोटा सा सपोर्ट हमारी बहुत सी हेल्प हो सकती है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, खुदा स्टे हाफिज़, ब्लेस्ड। अपना ख्याल रखें और आप सबको खुदा बरकत दे, थैंक यू।